आज प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 109वां एपिसोड था, जिसको हमारे दायित्वधारी कला हमारे दायित्वधारी और यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने सुना। और मैं लोगों से आग्रह करता हूँ कि मन की बात को सुनना चाहिए। जितनी बार हम मन की बात सुनते हैं, इतना नया विषय हमारी जानकारी में आता है। जैसे आज मातृशक्ति का ज्यादा जिक्र किया गया, स्वास्थ्य पर बातचीत की गई, तो हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जिसकी हमें जानकारी नहीं होती। इसलिए हर व्यक्ति को मन की बात सुननी चाहिए। प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तो सेवा सप्ताह हम हमारे कार्यकर्ता मेरे जन को चला रहे हैं। दिव्यांग शिविर का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें दिव्यांगों को व्हील चेयर, पैसा की हेयरिंग एड, गॉगल्स व अन्य सामग्री यहाँ पर की जाएगी। और आज भारी संख्या में इसका लाभ ले लोग यहाँ पर आए हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूँ, इनको दिव्यांग जैसा सम्मानित शब्द अगर दिया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। पहले इनको विकलांग कहा जाता था, आज दिव्यांग जैसा सम्मानित शब्द इनको मिला है। और भारी संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, उसको कैंप का लाभ उठाएंगे और उसके उद्घाटन के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ। के भाई और बहनों, मैं आपके और मंत्री जी के बीच में जगह में आते हुए सिर्फ थोड़ी सी अपने और आगे का मंच मैं आपको देते हुए अपनी अभिवादन की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैंने एक बात कही थी कि अगर आपने मुझे विधायक बनाया, तो मैं विधायक बनकर नहीं, एक भाई बनकर, एक बेटा बनकर, आपके परिवार का सदस्य बनकर आपकी सेवा करूंगा। भाइयों बहनों, मैं भावना से काम करता हूं। जो जो भी समस्याएं आपके माध्यम से मेरे सामने आती हैं, मैं अपने शक्ति से ज्यादा इसको करने का काम करता हूं। अभी शीघ्र ही यहां पर एक बहुत बड़ा सामुदायिक भवन लगभग 65 लाख की लागत से यहाँ पर बनने वाला है। बनने से उसको प्रणाम करते हुए, आपको नमन करते हुए और आपकी से अपेक्षा करते हुए कि 2024 नजदीक है, आ गया ना। और आपने देखा होगा तो पुराने लोगों ने याद होगा, इसके लिए हम कब से संघर्ष कर रहे थे। अधिक सीटें भाजपा गठबंधन की आने वाली है और मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मेरे लिए कुछ होने वाला नहीं है। 2024 का चुनाव होगा, लोगों की गिनती होगी, ये वार्ड पूरे प्रदेश के अंदर सबसे आगे होगा। इस विश्वास के साथ अपनी बात करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। यहाँ के लोगों के बहुत काम आते, अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है, अर्थियों से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया की। नादस्वरम और मेरे प्यारे देशवासियों, कहते हैं हर जीवन